बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बागो रमज़ान चॉइसेस में मिसेज हिना आपके साथ शेयर करने जा रही हैं आसान और कम वक्त में तैयार होने वाली नस्ल दर नस्ल आसमुदा खानों की तरक्की। माशाल्लाह से रोज़ेदारों के लिए रोज़े की एक और रेसिपी लेके हाजिर हूँ। तो चलते हैं, आज हम क्या बनाते हैं। चलिए चिकन ऑन टोस्ट बनाते हैं, ठीक है। बड़े मज़े के बनते हैं और स्पाइसी भी हल्के हल्के होते हैं। ज़्यादा भी रोज़े में नहीं स्पाइसेस खाने चाहिए, इससे ये होता है कि मेटे के लिए बड़ा मसला बनता है। तो चले लाइट लाइट ये चीज़ें हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जी चिकन है मेरे पास, इसको ये 250 ग्राम चिकन है। इसको मैंने नमक डाल के बॉयल करके रेशे कर लिए। ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है 1 टेबल स्पून, ठीक है। ये मेरे पास काली मिर्च है पिसी हुई 1/2 टेबल स्पून। ये आलू है 1 अदद लेके मैंने इसको नमक डाल के इसको भी बॉयल किया और इसको मैंने मैश कर लिया। तो सो इसके हिसाब से जो मैंने सॉल्ट लिया है वो 1/4 टीस्पून लिया है, कम ही डलेगा। और क्योंकि इसमें दोनों चीज़ों में नमक है तो फिर ज़्यादा नमक ना हो जाए। ये मेरे पास ये अंडा है, 4 स्लाइस मेरे पास डबल रोटी के हैं। अच्छा, ऑप्शन के लिए धनिया और हरी मिर्च, तो 2 मिर्चें हरी मैंने लेके इसको मैंने ब्रीक बिल्कुल चॉप कर ली हैं। तो आप लाइक करें तो डालें, अदरवाइज नहीं, लेकिन इसमें अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप डाल दें। तो ये बिस्मिल्लाह करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें आराम से आप एक ही दफ़ा डाल के एक ही दफ़ा जो है हम इसको मिक्स कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ये कॉर्नफ्लोर मैंने डाल दिया चिकन डालने के बाद। ये जी काली मिर्च डाल दी है और ये नमक भी साथ में मैंने डाल दिया है और ये साथ में जी आलू। इन चीज़ों को बड़े आराम से पकड़ के तो आपने क्या करना है कि मिक्स कर, ठीक है। हल्का सा मिक्स करने के बाद जी अब इसमें मैं अंडा डाल रही हूँ, साथ ही ये मेरे पास जो धनिया है, मैंने आपको ऑप्शन के लिए बताया है कि आपकी मर्ज़ी है डालें ना डालें। ये हरी मिर्ची, इससे ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है, हल्का हल्का सा स्पाइसी भी हो जाता है। ये लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए अंडा डालने के बाद इसकी ये कंडीशन हो गई। आलू डालने का मकसद ये होता है कि इसकी ज़रा बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, आलू इसलिए इसमें डलता है। अदरवाइज़ तो चिकन भी आप खाली डालें, लेकिन नहीं, इस तरह के आलू साथ डालें। इसको मैं कटिंग कर लूँगी और मैं अब आपको बताती हूँ कि इसको फिर किस तरीके से बनाना है। जल्दी बन जाने वाले, बहुत आराम से, कम टाइम में, मैं यही चीज़ें देखती होती हूँ कि जो कम टाइम में बन जाए, ताकि इबादत भी हो और हमारा काम भी होता रहे साथ साथ, खाने पीने का भी चलता रहे सिलसिला और इबादत भी चलती रहे। ये देखिए जी, अब आपने इसको पकड़ना है और पकड़ के इस तरीके से। अब आपको मैं इसको 2 तरीके से बताती हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आप मुनासिब समझे आप कर लें। मैंने इस साइड पे भी इसको लगा दिया है और इस साइड पर भी, ये देखें इस तरीके से, इस साइड पे भी लगा लें, इस साइड पे, दोनों साइड पे लगा लें, आपकी मर्जी, ठीक है। बहुत आसानी से बन जाने वाले हैं, बहुत कम टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मोटी तय लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा बस आपने इसको करना है ताकि ये पकने में भी आसानी। ये देखें, अच्छा अब ये जो मैंने एक आपको मैंने, चलें पहले मैं आपको आराम से वो बता दूँ, दो फली साइड पर लगाने वाला, बड़े आराम से दोनों साइडों पे ये लगा। अब एक और ये तरीका बता रही हूँ, वो फिर फ्राई करते वक्त बताऊँगी कि इसको किस तरह से हमने फ्राई करना, ठीक है। इसको मैं एक साइड पे सिर्फ लगा रही हूँ, ठीक है, दूसरी साइड पे नहीं, एक साइड। कुछ मैं इस तरह बना लूँगी, कुछ मैं डबल साइड पे बना लूँगी। मैंने कुछ जो है डबल आपको बताया था लगा के बना ली है, कोई सिंगल है। अब मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखिए, इसको आपने
आग वही कम ही रखनी है, ठीक है। ये जो मैंने डबल वाले बनाए हैं ना, ये दोनों साइड पे जो लगाए हैं मैंने, वो बना रही हूँ। इसको साथ साथ सर पे खड़े होके बनाते रहना है आपने। कलर इसका जो है वो अभी आएगा। अभी सिर्फ ये है कि हल्का से दोनों साइड से ज़रा, मैंने कहा था कि पलट दूँ ज़रा, ताकि इक्वल जो है वो पकना शुरू हो जाए। ये देखें जी, इन्होंने कलर चेंज करना शुरू कर दिया बस गोल्डन होने पे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, क्योंकि चिकन और वो जो आलू हैं वो उबले हुए हैं, तो उनका कोई मसला नहीं है। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस ये कि इसका जो लगाने के बाद जो कलर ज़रा रेड हो जाए, तो इस तरह से गोल्डन गोल्डन ना नज़र आ रहा होगा आपको। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे बड़े मज़े के ये बनते हैं, और शैलो फ्राई होने होते हैं ये, डीप फ्राई नहीं। ये अब जो दूसरे वाले हैं ना, जो मैंने आपको एक साइड पे बताए हैं, इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा अंडा लगा के फिर इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने एक साइड पे जो दूसरी साइड थी इसकी, उस पर अंडा लगा दिया। अंडे से ये होगा कि ये जो ऑयल है ना, ये मतलब ब्रेड जो है जो ज़रा नहीं लेगी, ठीक है ना। अंडा लगाने का मकसद ये है, इसलिए इसको अंडा लगा रहे हैं। चलो फ्राई तो ये है, लेकिन फिर भी ये देखिए, अंडे के साथ पकने के बाद इसको मैंने साइड चेंज की है, जिस साइड पे मेथड लगा हुआ है। ये देखिए, इस तरह से ऑयल नहीं ज़्यादा लेगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। करने के बाद जो है वो मैं फिर डिश आउट करती हूँ। पोटैटो मैशर से इसको इक्वल बनाने के लिए जो है, एक जैसे जल्दी गोल्डन भी हो जाएंगे, तो इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा जो है वो दबा दें, क्योंकि हर तरफ से फिर एक जैसे ये पक जाएंगे। हमारे चिकन एंड टोस्ट रेडी हो गए हैं, और बहुत जल्दी आसान रेसिपी है, जल्दी बनने वाली है, ट्राई कीजिएगा। तो मेरे चैनल को जो नए लोग हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखा करें, और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।